ओम शांति। अमूल्य रत्न में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हर इंसान अपने आप को विशेष बनाना चाहता है, परंतु विशेष बनने के लिए जरूरत है विशेषताओं को जीवन में धारण करना और कुछ बातों का त्याग भी करना। और परम पिता परमात्मा द्वारा उच्चारे गए महावाक्य वो ईश्वरीय रत्न है जिनमें सर्व विशेषताओं का खजाना छिपा है। इन विशेषताओं को कैसे अपने जीवन में हम धारण करें, न केवल धारण करें बल्कि इनका उपयोग करके अपने जीवन को विशेष बना दें, इन्हीं सभी बातों पर आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा चर्चा करेंगे और इनकी गहराई में जाएंगे। आज हमेशा की तरह हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। सब आज हम बातचीत करेंगे 20 दिसंबर 69 के महावाक्यों पर और इसका टॉपिक है प्लेन याद से प्लान्स की सफलता। सब महावाक्यों में स्टार्टिंग में परमात्मा चाहते हैं कि हम उनसे कुछ 5 विशेषताओं का वायदा करें और ये वायदा है एकता, स्वच्छता, महीनता, मधुरता और मन वाणी कर्म में महानता। परमात्मा चाहते हैं कि ये 5 बातें हर एक के हर कदम से नजर आवें। बस अब इससे पहले हम आगे बढ़ें, हम चाहेंगे कि इन एक एक विशेषताओं पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। पहली जो विशेषता है वो है एकता। वास्तव में हम सब एक को प्रत्यक्ष करने के लिए, एक की सेवा के लिए निमित्त हैं। जी, हम सब की बुद्धि में यही रहता है कि जो भी हम सेवाएं कर रहे हैं, जी, चाहे किसी भी वर्ग की कर रहे हैं, लेकिन अंदर से भावना यही रहती है कि हमें एक परमात्मा को प्रत्यक्ष करना है, इसलिए आपस में भी हमारे विचारों का मिलन होना चाहिए जी। संस्कारों का मिलन होना चाहिए। अगर एक मत और एकता के सूत्र में हम पिरो करके रहते हैं, कभी भी टकराव की स्थिति नहीं बनती, मन मुटाव भी नहीं होता। मतभेद हो सकते हैं, मतें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन मन भेद ना हो, इस पर ध्यान देना है। तो हम सब के जीवन का यही उद्देश्य रहे कि जिसने हमें ऐसा बनाया है, हमारे चलन से, हमारे कर्म से उसकी प्रत्यक्षता हो। तो एक होकर के विचारों को मिला करके, संस्कारों को मिला करके, इसमें कुछ झुकना पड़ता है, कुछ सहन करना पड़ता है, कुछ बातों में बहुत सहन भी करना पड़ता है। तो ये सब ध्यान पर रखते हुए कि कुछ भी हो, कभी भी ये ना दिखाई दे कि ये 2 मत वाले हैं, ये अलग अलग विचार वाले हैं, इनके अंदर भी कथनी और करनी में अंतर है। परमात्मा को प्रत्यक्ष करने के लिए हम सबको उन्होंने निमित्त रखा है, तो हमारे हर कर्म से दिखाई दे, इनका बोलना, इनका चलना, इनका हर कर्म दिखाता है कि एक के हैं, एक को प्रत्यक्ष करने के लिए निमित्त है, ऐसी एकता। सब स्टार्टिंग में जब 14 वर्ष की भट्टी के पश्चात सेवाओं पर भाई बहने निकले जी, तो उसके बारे में परमात्मा ने लिखा कि उस समय सभी को ऐसा ही लगता था कि सबकी बात एक है, सभी के रहन सहन, सभी का आकर्षण जहाँ देखो वही नजर आता है, ऐसा एक वायुमंडल था। परंतु यदि आज हम स्थिति देखते हैं, आज हम जब एक दूसरे को देखते हैं और हर एक के ऊपर नजर डालते हैं, तो हर व्यक्ति अपने आप में भिन्न है। इस चीज को हम स्पष्ट करते हैं ताकि हम अपने मन को ये प्रिपेयर कर सके कि हर व्यक्ति विशेष है परंतु भिन्न है आपसे, इसीलिए आप उसको स्वीकार करो वो जो है और जैसा है। ये दोनों बातें अपने आप में थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी लगती हैं भाई सब, कि एक तरफ हम स्वीकार कर रहे हैं कोई जो है जैसा है वैसा ही ठीक है, और दूसरी तरफ हम चाहते हैं कि सब एक जैसे हो जाए। इसमें क्या है, जब शुरू शुरू में हमारी सेवाएं शुरू हुई जी, 14 वर्ष तो कराची में, पाकिस्तान में अपने विद्यालय की सेवाएं चली, उसमें भी बाहर की सेवाएं नहीं थी, केवल तपस्या थी। हाँ जी। जब भारत में आए तो 1.5-2 साल के बाद 1952 से 52 से सेवाओं का प्रारंभ हुआ, और सेवाओं के प्रारंभ में सबको यही लक्ष्य था कि मुझे उस परमात्मा को ही प्रत्यक्ष करना है। एक ही विचार से, एक ही संकल्प लेकर के सब सेवाओं पर निकले। कोई ने खुद का नाम, मान, शान,
खुद के लिए कुछ नहीं किया, एक बाबा दूसरा न कोई। अंदर की भावना थे कि हमको बाबा ने भेजा है, परमात्मा ने भेजा है सेवा के लिए, और मुझे उन्हीं को प्रत्यक्ष करना है। तो उसमें उन्होंने अपने हर सुख का साधनों का त्याग किया, और त्याग के कारण उनको जिनके पास भी जाते थे तो उनसे अनुभव होता था, दृष्टि से भी अनुभव होता था कि इनके अंदर बाहर एक के सिवाय दूसरा कोई नहीं है। इसलिए वो एकता जो थी, जो लोगों को लगता था कि ये तो जो जैसे ड्रेस हमारी एक है, ऐसे इनकी वाणी भी एक है, इनका समझाने का तरीका भी एक है, क्योंकि वो शुरू शुरू से एक साथ रह करके 14 साल की तपस्या और उसके बाद उतनी बहुत ऊंची पालना में पले, तो जैसे एक ही सांचे के ढले हुए बाहर निकले, सबको एकता का सबूत दिया। लेकिन धीरे धीरे भिन्नताएं बढ़ती गई, क्योंकि भिन्न भिन्न संस्कार वाली आत्माएं ऐड होती गई, कोई पढ़ाई लिखाई के कारण, कोई पद पोजीशन के कारण, कोई धन दौलत के कारण, अपने नाम को बढ़ाने के लिए आगे आने लगा, तो उसमें कुछ भिन्नताएं दिखाई देने लगी। परमात्मा अभी जब ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हुए हैं, तो हम सबको फिर से उसी सूत्र में बांधने की शिक्षा दे रहे हैं कि जब तक आप सब इन सब बातों का त्याग करके, नाम मान शान पद पोजीशन, इनको त्याग करके एक मत हो करके नहीं चलोगे, तब तक परमात्मा की प्रत्यक्षता नहीं होगी। इसलिए उस तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं कि वायदा करो कि हम एक के हैं, एक मत होकर के एकता के सूत्र में बंद करके हमें एक को प्रत्यक्ष करना है। बहुत सुंदर भाई साहब। अगली विशेषता है स्वच्छता। जी, स्वच्छता एक है बाह्य स्वच्छता, लेकिन परमात्मा हमारा ध्यान आंतरिक स्वच्छता पर खिंचाते हैं। जी, जो कुछ हम दूसरों को कहते हैं वही हम करें, अंदर और बाहर हमारा एक हो। जी, और साथ साथ जब हम सेवा के क्षेत्र पर जाते हैं, भिन्नताएं संस्कारों की होंगी, लेकिन किसी की कमी और कमजोरी को नोट करना यह अस्वच्छता है। किसी के अवगुणों का चिंतन कर लेना, इसको अस्वच्छता कहते हैं। तो स्वच्छ आत्माएं जो है ना, उनके मन में किसी के लिए न नफरत है, न किसी की कमी कमजोरियां नोट होती हैं। हर आत्मा विशेष आत्मा है। तो हम अपने विचारों को बहुत स्वच्छ रखें। स्वच्छता में स्पष्टता आती है। जी, जहाँ स्वच्छ होता है, जैसे निर्मल पानी, पानी स्वच्छ है, स्थिर और स्वच्छ है, तो बहुत स्पष्ट हो जाता है। उसके नीचे कितनी गहराई तक आप देखेंगे तो स्पष्ट दिखाई देगा। परमात्मा हम सबके विचारों में, हमारे संस्कारों में अंदर की स्वच्छता चाहते हैं, और अंदर की स्वच्छता पवित्रता को सिद्ध करती है। जब स्वच्छता आ जाती है तो दिव्यता आ जाती है, सबके प्रति भावनाएं अच्छी हो जाती हैं, नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, बहुत सारी विशेषताएं एक स्वच्छता से आ जाती है। बहुत सुंदर भाई साहब। नेक्स्ट विशेषता है महीनता। महीनता है आत्मा का जो स्वरूप है, बहुत सूक्ष्म है। जी, महीन है। अगर हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो हम महीनता का अच्छा अनुभव कर सकते हैं। मैं जो हूँ जैसा हूँ, आप जो हैं जैसे हैं, उस महीनता में जाना, क्योंकि बड़े रूप में मोटे रूप में शरीर दिखाई देता है, लेकिन आत्मा बहुत सूक्ष्म है, उसको बाबा महीन कह रहे हैं। तो आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के कर्म क्षेत्र पर, सेवा के क्षेत्र पर पार्ट प्ले करना, और हर बात की गहराई में जाकर के उसको चिंतन में ला करके उसको महीनता से देखना, वो महीनता हमारे जीवन में होनी चाहिए। बाह्य रूप को हम न देखें। हाँ जी, बाह्य रूप पर आकर्षण हो जाते हैं, बाह्य रूप पर कई बार प्रभाव पड़ जाता है कि ये व्यक्ति बड़ा अच्छा है, इसने बहुत अच्छा सहयोग दिया, इसने बहुत अच्छी मदद की, लेकिन आंतरिक उसकी भावनाओं को कैच करना, किस भावना से मदद कर रहा है, किस तरह से हमारे समीप आ रहा है, उसमें उसकी परख शक्ति बहुत चाहिए। तो वो महीनता जिससे हम दूसरी विशेषताओं को, दूसरों की जो विशेषताएं हैं उनको हम यूज कर सकें, जी, तो महीन बुद्धि उसको ही कहते हैं। सब अगली विशेषता है मधुरता। जी, वो तो वाणी की मधुरता है, क्योंकि जब मधुरता है तो वाणी में किसी के प्रति कटाक्ष की भावना नहीं रहती। हमारे दृष्टि से भी मधुरता का अनुभव होता है, बोल से अनुभव होता है, उनके व्यवहार से भी अनुभव होता है कि हमारे साथ इसका बहुत अच्छा व्यवहार है, बहुत अच्छी तरह से हमको गाइड कर रहे हैं,
मधुरता एक तरफ हमको कई बार नुकसान भी करती है, ज्यादा जो मिठास होती है, कहते हैं जहाँ ज्यादा मिठास होती है वहाँ चीटी आती है, लेकिन ये मधुरता है वाणी की जिसमें सम्मान समाया हुआ है, हर आत्मा के प्रति सम्मान की भावना है, और उसमें हम उसकी विशेषताओं को देख करके उसके साथ संबंध संपर्क में आते हैं, तो हमारी वाणी के अंदर वो सरलता वो मधुरता दिखाई देती है। सब पांचवी विशेषता है मन वाणी कर्म में महानता, क्योंकि जब ये सम्मान स्मृति में रहता है ना कि मैं महान आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ये बहुत ऊंचा सम्मान है, और इस सम्मान को लेकर के जब हमारे संकल्प चलें तो उसी अनुसार चलने चाहिए। महान आत्माओं के संकल्प कैसे होंगे, उनके बोल कैसे होंगे, उनके कर्म कैसे होंगे, तो हमारे हर बात से अनुभव होने लगेगा ये अलग हैं, ये महान आत्माएं हैं, विशेष आत्माएं हैं। तो वो मन वाणी और कर्म में महानता दिखाई दे वो तभी हो सकता है जब हम ऊंचे सम्मान में स्थित रहे। हम किसके बच्चे हैं, किसने मुझे अपना बनाया है, और किसकी सेवा के लिए हम निमित्त हैं। तो विशेष करके ये सेवा क्षेत्र पर सेवाधारियों के बीच में परमात्मा के महावाक्य चल रहे हैं, जब वो पांच विशेषताएं हमारे जीवन में आ जाएंगी तब हमारे द्वारा स्वतः सेवा होगी। बस अब आगे चलकर महावाक्यों में है कि अपने संपूर्ण संस्कारों से ही परमात्मा को आप प्रत्यक्ष कर सकते हो, सिर्फ सर्विस के प्लान से नहीं, लेकिन अपने संपूर्ण संस्कारों से, अपनी संपूर्ण शक्ति से परमात्मा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। फिर सब संपूर्ण संस्कार से क्या तात्पर्य है? संपूर्ण संस्कार जो आत्मा के आदि और अनादि संस्कार है जी। जब आत्मा अपनी ओरिजिनल स्टेज में स्थित थी जी, सृष्टि मंच पर आने के पहले, हाँ जी, पार्ट प्ले करने के पहले, सतयुग के अंदर जब आत्मा अवतरित हुई अपने घर से, परमधाम घर से जी, तो सबसे पहले उसके अंदर वो जो पवित्र संस्कार थे, स्वच्छ संस्कार थे, निर्मल थे, कोई बंधन नहीं था, कोई हिसाब किताब नहीं था। आत्मा अपनी संपूर्ण सत्व प्रधान स्टेज में थी, वो संपूर्ण सत्व प्रधान स्टेज के संस्कार जिसके अंदर किसी के प्रति न ईर्ष्या है, न द्वेष है, न नफरत है, न किसी का प्रभाव है, न लगाव है, वो जो दिव्य संस्कार है, वो संपूर्ण संस्कार है आत्मा के, वो संस्कार इमर्ज हों इस समय, उनका आवाहन करते हैं। अगर उनका हम आवाहन कर लें और उन संस्कारों के आधार से हम सेवा करें कि हम तो वो थे और वैसा हमको बनना है जी, तो उस लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे द्वारा वो परमात्मा की प्रत्यक्षता होती है। यानी बार बार हम स्मृति में लेकर आए कि हमारे ओरिजिनल संस्कार कौन से थे जी, उनको स्मृति में बार बार रिवाइज करना है जी। इसलिए हमको बीच बीच में सम्मान दिए जाते हैं जी, हमारे पुरुषार्थ में कोई ना कोई सम्मान लेकर के कि हम एक महान आत्मा है, दिव्य आत्मा है, देव आत्मा है, हाँ जी। तो वो जब हमारी स्मृति रहती है उसको हम रिवाइज करते हैं हाँ जी, तो वो हमारे संस्कारों में स्वतः आ जाता है। बहुत सुंदर भाई साहब। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन जो कि महावाक्यों में है, प्लान्स भी सफलता में तब आएंगे जब प्लान के साथ अपनी लगन पूरी हो और प्लेन याद हो। सब प्लेन याद से क्या तात्पर्य है? इसमें क्या है, प्लान्स हम बहुत बनाते हैं सेवाओं के, कई बातें निकलती हैं, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, लेकिन उन सेवाओं के प्रति पहले लगन चाहिए, उमंग उत्साह चाहिए। लगन का तात्पर्य यहाँ बाबा हमको बता रहे हैं, जब हम कोई भी योजना बनाते हैं, कोई लक्ष्य रखते हैं कि ये करना है, ये करना है, तो पहले उसके प्रति हमारी लगन कितनी है, उमंग उत्साह कितना है, और उसके बाद अगर बुद्धि बिल्कुल प्लेन है, माना उसके अंदर कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी क्वेश्चन नहीं है, होगा नहीं होगा, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बातें बहुत बड़ी हैं, तो ये याद में प्लेन नहीं है, बुद्धि मिक्स है, कराने वाला सर्वशक्तिवान है, सर्वसमर्थ है, उसकी याद में अगर हम रह करके कोई भी प्लान को प्रैक्टिकल करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि साथी सर्वशक्तिवान है। तो परमात्मा हम सबको दो बातें करें, एक तरफ लगन चाहिए, उमंग उत्साह चाहिए, और दूसरी तरफ प्लेन याद, किसकी सेवा के लिए हम निमित्त हैं, किसने हमें ये सेवा दी है। तो सेवा के ही हम प्लान्स बनाते हैं कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, बहुत सारी प्लान्स बनते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल तभी आते हैं जब याद में एक बाबा सर्वशक्तिमान
और दूसरा उसके प्रति अटूट प्यार, लगन, उमंग, उत्साह। तो सर कई बारी आपकी लगन बहुत अच्छी है और आप बहुत अच्छी प्लेन बुद्धि से, आपको एक बहुत अच्छा संकल्प आता है जी। लेकिन जो सेवा के साथी हैं, यदि वो उसके प्रति कोई प्रश्न उत्पन्न करते हैं, उनके मन में कोई बात आती है, तो क्या वो विघ्न कहलाए जाएंगे? वास्तव में विघ्न तो है जी, क्योंकि जब तक सबकी विचारधारा एक नहीं हो पाती, हाँ जी, तब तक कुछ ना कुछ रुकावट आती है। हम लोग कभी कभी जब कोई प्लान लेके जाते थे दादी जी के पास जी, तो दादी जी एक ग्रुप बुलाते थे, मीटिंग, कहती थी सबके विचार एक होने चाहिए। अगर एक भी कहता था दादी ये कैसे होगा, ये नहीं हो सकता, ये बड़ी बात है, तो कहती थी ये जो संकल्प है ना, यही विघ्न है। सबके विचार एक हो जाए कि जरूर होगा, बड़ों ने कहा है, प्लान दिया है, प्रैक्टिकल हो जाएगा, तो सबके विचारों को मिलाना जरूरी है जी। और सब अगर नहीं कर सकते हैं तो भी परमात्मा हम सबको कहते हैं आप स्थूल में कोई कार्य नहीं कर सकते हो, भले नहीं करो, लेकिन शुभ भावनाओं का सहयोग दो, अच्छे से अच्छा होगा, जरूर होगा, इस प्रकार के विचार भी उसमें मदद करते हैं कार्य में, प्लान में। तो कोई भी प्लान बनता है तो हम सबको चाहिए कि अगर बड़ों ने प्लान बनाया है हाँ जी, तो उसमें परमात्मा की शक्ति साथ है, कार्य होना ही है। हम अगर जिस तरह से दे सकते हैं, मन से दे सकते हैं, मनसा से, वाचा से, कर्मणा से, तन से दे सकते हैं, मन से दे सकते हैं, या धन से दे सकते हैं जी, हम जिस प्रकार से सहयोगी बन सकते हैं हम बने। ये न कहें ऐसे नहीं हो सकता, कैसे हो सकता, ये तो बहुत बड़ी बात है, तो जैसे ये हमारे विचार उसके अंदर विघ्न डाल रहे हैं। बहुत सुंदर भाई साहब। सब आगे चलकर परमात्मा बात कर रहे हैं कुछ परीक्षाओं के बारे में जी, और उसमें लिखा है कि अपने को फेल होने नहीं देते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन फील करते हो, क्योंकि कई बातें आ जाती हैं सेवा के क्षेत्र में भी, घर गृहस्थ में भी, और जब हम दुनिया में भी हम कार्य व्यवहार में आते हैं तो बहुत सारी बातें आती हैं जिनमें हम फेल तो नहीं होते हैं, ऐसा लगता है कि हमने पास कर लिया उन बातों को, लेकिन कहीं ना कहीं कोई फीलिंग आ जाती है, तो ये फीलिंग ना आए। कईयों की जो नेचर है ना, हाँ, वो सेंसिटिव होती है जी जी जी, सेंसिटिव नेचर वाले छोटी सी बात, मान लो आपको कोई ने मुस्कुरा करके बात नहीं की जी, आपकी तरफ कोई ने ध्यान नहीं दिया, हाँ जी, फट से होगा ये हमसे बात ठीक नहीं कर रहे हैं, हम तो इतनी सेवाएं कर रहे हैं, फट से फीलिंग आ गई। हमारे संगठन में भी ऐसा होता है कि अगर उनको जो चाहिए वो हम नहीं दे पाते किसी कारण से जी, तो उनको ये फील होता है कि देखो आज मेरे से इन्होंने ठीक बात नहीं की, मेरी तरफ देखा नहीं, मेरे से प्यार से ओम शांति नहीं किया। हाँ जी, कई बार व्यक्ति के चिंतन अलग प्रकार का चलता है। मान लो आप हमारे सामने आई, हाँ जी, और हम किसी दूसरे चिंतन में हैं, और हमने आपसे मुस्कुरा करके ओम शांति नहीं की, बात नहीं की, और आप इस बात को सोच लें कि हमारे संबंध तो इतने अच्छे हैं, आज शायद मेरे से ऐसा क्यों किया, और हम उस संकल्प को लेकर के चिंतन करते करते बहुत फील कर लेते, मूड खराब हो जाएगी, बिल्कुल, खुशी गायब हो जाएगी, हाँ जी, और अंदर अंदर कई प्रकार के प्रश्न उठेंगे, व्यर्थ चिंतन चलेगा, समय जाएगा, हाँ जी। तो इन बातों को ज्यादा हम अपेक्षाएं न रखें, अपेक्षाएं इंसान को बहुत दुख देती हैं, थोड़ी थोड़ी बात में मूड खराब हो जाता है, कोई कारण हो सकता है, कोई ने नहीं मुस्कुरा के बात किया, कोई ने नहीं ओम शांति किया, कोई कारण है, उस कारण को हम ज्यादा ध्यान न दें, फिर दोबारा जब मिलते हैं तो कम से कम पूछ तो ले आखिर ऐसा क्या था, तो बता देगा कि ऐसी कोई बात नहीं थी, ऐसे कारण हो सकता है। तो सब कहीं ना कहीं ये फीलिंग का कारण हमारी ईगो नहीं कहेंगे, ईगो नहीं होता जी, ईगो नहीं होता, लेकिन अपेक्षाएं होती हैं, हमारी अपेक्षाएं होती हैं, क्योंकि हम बहुत नजदीक समझते हैं अपने आप को जी, और नजदीक समझने के कारण जैसे एक बार आपसे व्यवहार हुआ, आप आए बैठे हंसे बहले बात किया, लेकिन दूसरी बार वही नहीं उस ट्रीटमेंट मिली आपको, उसी तरह से व्यवहार नहीं किया गया जी, तो आपको फीलिंग आ जाएगी कि पता नहीं आज कोई ने कुछ मेरे लिए कह तो नहीं दिया। इसमें बहुत जल्दी व्यक्ति अनुमान लगाता है, और वो अनुमान की बीमारी ऐसी है जो परमात्मा कई बार बड़ी रमणीकता से कहते हैं कि एक लुकमान हकीम थे बहुत बड़े जी,
उनके पास भी इस बीमारी की दवाई नहीं थी जी। इतनी बड़ी बीमारी है, अनुमान बहम, तो कभी भी अनुमान के कारण बहम के कारण अपने मूड को खराब नहीं करना चाहिए। कोई बात है, मान लो आज आपको लगता है कि ऐसा मेरे से व्यवहार किया गया, ऐसा ठीक नहीं है, तो उस समय भले तो हुआ, थोड़ा समय फील हुआ आपको, उस समय के बाद फोन से पत्र से सामने जाके उस बात को क्लियर कर लेना चाहिए। बिल्कुल, समय न जाए, हमारी शक्तियां न जाए, हमारी खुशी गायब ना हो, हमारी स्थिति अच्छी रहे, उसके लिए फीलिंग फ्लू की बीमारी है, जैसे सूक्ष्म में अंदर अंदर बुखार हो जाए जी। बुखार में क्या होगा, शरीर टूट जाएगा, सेवा का उमंग नहीं रहेगा, ऐसा लगेगा ये सब खाना अच्छा नहीं लगता, संग अच्छा नहीं लगता, कई बातें अच्छी नहीं लगती। तो परमात्मा हमको इसको नाम ही देते हैं फीलिंग माना फ्लू की बीमारी। बहुत सुंदर भाई साहब। आगे चलकर महावाक्यों में बहुत सुंदर लाइन है, भल कितना भी हिम्मत रखें लेकिन यह हिम्मत तुरंत दान महापुण्य की जो रखी है, ऐसी हिम्मत अभी कोई रख नहीं सकता। नदियों में तो भल सभी नहाते हैं लेकिन आप लोगों ने तो सागर में नहाया है। तो सब ये जो लाइन है, तुरंत दान महापुण्य, इस चीज़ को हम चाहेंगे कि आप एक्सप्लेन करें। जिस दिन से बाबा को, ब्रह्मा बाबा को निश्चय हुआ जी, बाबा एक बहुत बड़े व्यापारी थे, हीरे जवाहरात का बिजनेस था जी। बाबा ने संकल्प किया और एक धक से जो कुछ था सेवा में समर्पित किया जी। सोचा नहीं और फिर उसका वर्णन नहीं किया कि मेरे संपत्ति से, मेरी कमाई से ये सारा यज्ञ चल रहा है, इतनी बहनों की पालना हो रही है, कभी नहीं कहा। इस हाथ से दिया, इस हाथ को भी पता न चले, तुरंत संकल्प आया और कर लिया, उसके लिए सोचा नहीं। तो तुरंत दान महापुण्य, सोच सोच करने करके करने वाला उसकी वैल्यू कम कर देता है। करूं ना करूं, पता नहीं सफल होगा नहीं होगा। कई लोग बहुत सोच सोच करके सेवा में मददगार बनते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने जो प्रैक्टिकल किया, संकल्प किया कि ये सब परमात्मा के कार्य में सफल करना है, उसके लिए सोचा नहीं, देरी नहीं की, तो तन सफल किया, धन सफल किया, जो संबंध थे उनको भी सेवा में लगा दिया। उसको कहते तुरंत दान, संकल्प उठा और कर लिया। जो अच्छे संकल्प हैं उनको तुरंत करना चाहिए, और जो ऐसे संकल्प हैं जो हमारे को दुख देने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं, नुकसान पहुंचाने वाले हैं, अगर ऐसे संकल्प आते हैं तो कहते थोड़ा ठहर जाओ, अभी नहीं करना, उसको रोक दो। लेकिन जो पुण्य कर्म है, जो अच्छे कर्म है, तन सफल हो, मन सफल हो, धन सफल हो, जो हमें परमात्मा ने दिया है, उसको तुरंत संकल्प आया कर लो, नहीं तो उसके पीछे बहुत रुकावट आ सकती है। किसी को पता चलेगा, रोक देगा, ऐसे नहीं करो, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो उसके कारण परमात्मा हम सब कहते हैं, ब्रह्मा बाबा आपके आगे एग्जाम्पल थे, तुरंत दान किया और महापुण्य प्राप्त कर लिया, नरश्री नारायण बन गए। तो आप बच्चे भी ऐसे फॉलो करो। सर ऐसा कई बार होता है कि इंसान चाहता है बहुत कुछ करना, लेकिन कहीं ना कहीं कोई उनके जो घर वाले हैं, मित्र संबंधी हैं, वो उसको रोकते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, जो अपने मन की बात है वो माननी चाहिए या फिर अपने घर को भी देखना चाहिए? नहीं, घर को तो देखना ही है। इसके लिए क्या है कि अगर मान लो आपकी जवाबदारियां हैं जी, जवाबदारियों को निभाते हुए जी, किसी को आप बच्चे को पढ़ाना है, बच्ची की शादी करनी है, कोई भी कार्य है, और आपने अपनी संपत्ति मान लो यज्ञ में समर्पित कर दी या सेवा में लगा दी, तो समाज क्या कहेगा, और ये वास्तव में रांग है, गलत है, नहीं करना चाहिए। ऐसे समय पर जिसका जो हिस्सा है, जो कर्तव्य है, उनको पालन करना है जी। फिर जो अपना हिस्सा है उसको श्रेष्ठ कार्य में सफल करना है। जो बचत है आपकी, जो आप समझते हो कि इसके लिए कोई रुकावट नहीं है जी, उसको सफल करना, उसमें कोई डिले नहीं करना, उससे पूछने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन मान लो परिवार है और परिवार के अंदर दो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, शादी करानी है, पढ़ाना लिखाना है, परमात्मा कहता है इसमें बहुत समझ चाहिए, इसके लिए ऐसे नहीं जोश आना चाहिए कि मैं कर लूं तो सारे
अंदर 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 आपकी कलह हो जाएगी, क्लेश हो जाएगा। बिल्कुल, इसलिए तुरंत दान में भी बहुत समझ चाहिए। जी जी जी, बहुत सुंदर भाई साहब, आज आपने बहुत सारी गहरी बातें और प्रैक्टिकल बातें हमें समझाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज हमने समझा कि यदि हम अपने जीवन में एकता, मधुरता, महीनता, स्वच्छता और महानता को अपनाते हैं तो हम सभी का जीवन एक विशेष जीवन बन जाता है। आज हमने समझा कि यदि हम अपने हर प्लान को सफल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरत है प्लेन याद का होना। हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार की फीलिंग ना आए उसके लिए बहुत अधिक अनासक्त वृत्ति से हर कार्य करते रहें। साथ ही हम तुरंत दान महापुण्य इस मंत्र को सदा स्मृति में रखें। इन सब बातों को यदि जीवन में धारण करते हुए हम चलते हैं तो ज़रूर हमारे जीवन में संपूर्णता की स्टेज सहज ही आ जाती है। हम इन बातों को जीवन में धारण करते आगे बढ़ते चले, यही हमारी आप सभी के प्रति शुभ भावना, शुभकामना है। अगले एपिसोड में इन्हीं महावाक्यों को और अधिक चर्चा में लेकर आएंगे। तब तक के लिए लेते हैं आप सभी से विदा। ओम शांति। मुख्य सार, विशेष आत्माएं बन सभी को नजर आने के लिए एकता, स्वच्छता, महीनता, मधुरता और मन वाणी कर्म में महानता, ये बातें हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म में याद रखो।